बन्ना व्लॉग्स, आज मैं हरे प्याज के पकौड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ। लेकिन इससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी मेरे किसी भी रेसिपी का वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं हरे प्याज के पकौड़े। प्याज के पत्ते के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये हरा प्याज ले लिया है और अब इसे मैं बारीक कट करने जा रही हूँ। इसे एकदम बारीक कट करना है। प्याज के पत्तों को मैंने बारीक काट लिया है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे। मैंने अजवाइन लिया है, इसे अच्छे से हाथ से क्रश कर लेना है, इसे फ्लेवर एनहेंस होता है। 1/4 चम्मच हम कलौंजी ऐड करेंगे इसमें। आधा छोटा चम्मच खड़ा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितना भी आप तीखा पसंद करते हैं। मैंने 2 बारीक कटी हरी मिर्च ली है। 1 चम्मच बारीक कटे हुए अदरक और लहसुन, 1 बारीक कटा हुआ धनिया, 1 बारीक कटा हुआ धनिया। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार और अंत में हम बेसन मिलाएंगे इसमें। बेसन हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे क्योंकि अभी इसका अंदाजा नहीं है कि इसमें कितना बेसन जाएगा, तो हम इसे हाथों से मैश करेंगे और इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, तो इससे जितना भी बेसन इसमें यूज होना होगा उसे पता चलेगा। तो हम इसे मिला लेते हैं। हमारे पकोड़े का मिक्सचर जो है तैयार हो गया है और इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है और करीब 1 पूरी कटोरी बेसन इसमें इस्तेमाल हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके पकोड़े बना लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम पकोड़े तलने के लिए डाल देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम पकोड़े तलेंगे ताकि दोनों तरफ से, अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। हाई फ्लेम पर बाहर से पक जाता है बट अंदर से ये कच्चा रह जाता है, इसलिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पर हम तलेंगे। तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है और आप देख सकते हैं अच्छे से पक गया है। तब इसे निकाल लेंगे हम। प्याज के पत्तों के क्रिस्पी पकौड़े बनके तैयार हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और चाय के साथ तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और मेरी रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।